हेलो नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों को। जैसा कि हम सबको पता है एसएससी जीडी की भर्तियां आ चुकी हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि इस प्लेटफॉर्म पर बच्चों को मैथ्स की वीडियो प्रोवाइड कराई जाए, जिससे कि वो मैथ्स मतलब हम इस लेवल की मैथ्स को लेकर चलेंगे कि अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो आप पक्का 100% 25 out of 25 ले सकते हो, अगर आप हर वीडियो को ढंग से देखोगे और आप हर वीडियो के रूल्स को तरीके से फॉलो करोगे। मैं आज आपको चैप्टर कराने वाला हूं चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट CI, और हिंदी में क्या कहते हैं हम इसे, चक्रवृद्धि ब्याज। अब जैसा कि हम सबने मतलब इतने आजकल तो ऐसे हर जगह वीडियोस प्रोवाइड हैं, तो हम सबने वीडियो में पढ़ा भी है। हम क्या करते हैं आजकल बच्चा किस तरीके से, मैं भी ऐसे ही पढ़ाता हूं अपनी क्लासों में, थोड़े दिन पहले तक 6 महीने पहले तक मैं भी अपनी क्लासेस में उसी तरह से पढ़ाता था जैसे आजकल हर जगह पढ़ाया जा रहा है। टीचर्स क्या करते हैं, टीचर सभी इस तरीके को फॉलो कर रहे हैं, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाएंगे तो क्या कर देंगे कि कुछ धन जैसे कि रेट हो गई 16/2/3%, फिर 1/6, तो 6 अगर हमारा 3 साल का समय तो 216 ले लेंगे, फिर ब्याज पे ब्याज, फिर ब्याज पे ब्याज, फिर ब्याज ब्याज, फिर इस तरीके से और इस तरीके से एक ट्री बनवाते हैं। ठीक है, इस तरीके को मैं भी बच्चों को इसी तरह से पढ़ाया करता था, पर इस तरीके से देखा जाए तो हर क्वेश्चन बहुत ज्यादा जल्दी नहीं हो सकता। ठीक है, तरीका अच्छा है, हम इससे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, पर कभी कभी ये तरीके से बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और आप उसको एक बार वीडियो पॉज करके देखना कि क्या इस तरीके से वो क्वेश्चन जल्दी हो सकता है, और अगर इस तरीके से ना हो तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैथ का नजरिया बदल गया थोड़ा सा, क्या हो गया कि अब जिस तरीके से कॉम्पिटिशन में बच्चे आ रहे हैं तो चीजें भी बदलनी पड़ेंगी, हमें उनसे फास्ट होना पड़ेगा। जैसे आप एक क्वेश्चन देखिए, जैसे अगर क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि प्रिंसिपल बताओ, प्रिंसिपल आप सबको पता होगा क्या होता है, मूलधन। मूलधन वह धन होता है जो हम किसी को उधार देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रिंसिपल बताइए मूलधन, रेट परसेंट देर की है, पहले साल फर्स्ट ईयर की रेट है 16/2/3%, दूसरे साल की रेट है 14/2/7%, और तीसरे साल की रेट देर की है हमारी 12/1/2%। उसके बाद वो कह देगा जो टोटल समय कितना हो गया, 1, 2, 3 टाइम हो गया हमारा 3 साल। तो क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि बताइए CI कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज कितनी है। और क्वेश्चन हमसे, अभी तक क्वेश्चन में हमें मूलधन पूछा गया और चक्रवृद्धि ब्याज, और क्वेश्चन कह देगा कि हमें अमाउंट जो कि मिश्र धन दे रखा है वो कितना दे रखा है, मिश्र धन क्वेश्चन में मिश्र धन दे रखा 21.3 रुपए। अब आप एक बात बताइए, उस ट्री वाले मेथड से इस क्वेश्चन को आप कितनी जल्दी कर सकते हो, क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, अगर क्वेश्चन पेपर में आ गया तो शायद आपको ये क्वेश्चन छोड़ना ही पड़ेगा। जबकि एक ऐसा मेथड भी है जिस मेथड से इस क्वेश्चन को हम शायद मुश्किल से 15 सेकंड लेंगे, 15 सेकंड भी ज्यादा है, अगर आप उस मेथड पे आपको समझ गए कि ये किस तरह से हो रही है चीजें, तो आप इस क्वेश्चन को मैक्सिमम 10 सेकंड में सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इस क्वेश्चन को मतलब ये क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको मैं छोटे छोटे एक दो क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको पता लगे चीजें चल कैसे रही है, फिर जाकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले कुछ चीजें और, जैसे कुछ बच्चों को ये पता नहीं होगा शायद कि 16/2/3% फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/6। बहुत से बच्चों को तो पता होगा क्योंकि आजकल वीडियो बहुत ज्यादा प्रोवाइड हो चुके हैं स्टूडेंट्स को, तो ये चीज पता होगी 1/6 होता है। अगर किसी को नहीं पता तो मैं 2 मिनट लूंगा आपकी और मैं आपको ये सारी चीजें यहां पर समझाता हूं। देखिए आप एक बार आप फ्रैक्शंस देख लीजिए, फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चंस पे आते हैं कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे।
फ्रैक्शंस क्या, जिस तरीके से अगर कहीं पर भी 1/2 दे रखा है और मैं इसको प्रतिशत में बदलना चाहूं तो मुझे पता है इसके साथ 100 की गुणा करनी पड़ेगी। अब जैसे ही मैंने 100 की गुणा करी तो 2 से जब मैं 100 को काटूंगा तो कितने में जाएगा, 50 पे, ये आ गया हमारा 50%। तो मैंने यहां से क्या देखा कि 1/2 को जब भी प्रतिशत में बदला जाएगा हर बार 100 की गुणा होगी और 100 की गुणा होते ही वो क्या बन जाएगा, 50%। यहां पर मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा, अगर इसको आपको डीपली समझना है तो परसेंटेज की वीडियो डाल रखी है मैंने, ठीक है, उसको आप एक बार देख लेना। अब 1/2 कितना हो गया, 50%। अब इसी तरीके से अगर मैं ये चाहूं कि 50% जो हमारे पास देर था 50%, इसे फ्रैक्शन में बदले, तो फ्रैक्शन में बदलने का मतलब क्या है, जो 1% देर था इसे हटा देंगे, नीचे 100 आ गया, 50 से 1 पर, 50 से 2 पर, तो हमने देखा ये कितना हो गया 1/2। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि 50% को जब फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/2 आ जाएगा हमारे पास, और इसी तरह से 1/2 को जब भी प्रतिशत में बदला जाएगा तो हर बार हमारे पास 50% आएगा। इसी तरीके से हम 1/3 को देखते हैं, 1/3 को अगर मैं प्रतिशत में बदलूं तो मैं 100 की गुणा करूंगा और जैसे ही 3 से 100 की गुणा करूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 33.3%। तो मैंने यहां से देखा कि 1/3 को प्रतिशत में बदलने पर मुझे 33.3% प्राप्त हुआ। इसी तरह से जब मैं 33.3% को फ्रैक्शन में बदलूंगा तो 33 के 99 और 100/3 जो ये प्रतिशत है, जब इसे यहां से हटाऊंगा नीचे 100 आ जाएगा और जब 100 से 100 को काटूंगा तो ये आ जाएगा 1/3। तो मैंने देखा जिस तरीके से 1/2 प्रतिशत में 50% और फ्रैक्शन में 1/2, इसी तरीके से 1/3 प्रतिशत में तो 33.3% है और 33.3% फ्रैक्शन में कितना हो जाता है, 1/3। ये चीज तो हमारी क्लियर हो गई। अब यहां पर जो सबसे ज्यादा समझने वाली चीज है वो क्या है, अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं कि ये बताओ कि कोई संख्या 2 है, इस 2 का 50% निकालिए, तो जब भी हम इस संख्या का, नीचे वाली संख्या का इतना प्रतिशत निकालेंगे तो हमेशा ऊपर वाली संख्या आ जाएगी। जिस तरह अगर हम 3 का 33.3% बताइए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है, मैं कहूं 3 का 33.3% निकालो तो मैं क्या करूंगा, 3 × 33 = 99 और 100/3 प्रतिशत, जैसे ही मैं यहां से हटाता हूं नीचे आ जाएगा 100 और जब मैं 100 से 100 को काटूंगा 3 से 3 को तो मेरे पास यहां क्या बचा, 1। तो मैंने देखा कि 3 का इतना प्रतिशत निकाला तो मेरे पास क्या आया, 1। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 3 का जब भी इतना प्रतिशत निकलेगा तो आ जाएगा 1, 2 का 50%, 1, ठीक है। या फिर आप इन चीजों को डायरेक्ट आ सकते हो, किसी भी प्रतिशत जो भी परसेंटेज दे रखे उसकी फ्रैक्शन जब भी हम करेंगे तो नीचे वाली संख्या का वही प्रतिशत निकालने पे उसकी ऊपर वाली संख्या मिलती है। जैसे आप इसको इस तरह समझो, मैं आपको 5-6% लिखा देता हूं, यहां पर प्रतिशत वाली वीडियो में सारी लिखा रखी है, वहां जाके आप देखना एक बार इन चीजों को, जो अभी यूज करवाऊंगा थोड़ी बहुत वो देख लो, 1/2 50%, 1/3 33.3%, 1/4 25%, 1/5 इनको जल्दी जल्दी लिख लो आप, 20%, 1/6 16.2%, 1/7 14.2%, 1/8 12.2%, और 1/9 11.9%, एक आदि थोड़ी बड़ी ले जाए 3/8 37.2%। अब इस चीज को आप ऐसे समझिए, अगर मैं कहूं कि कोई संख्या 8 है और इसका 37.2% निकालिए तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, 3। मैं कहूं कोई संख्या 8 है उसका 12.5%, 1।
अब इसको थोड़ा और आगे लेके जाते हैं। अगर मैं आपसे ऐसे पूछता कि मैंने आपको 7 रुपए उधार दिए और मुझे आपसे 14.2/7% हिस्सा ब्याज के रूप में चाहिए, तो आप मुझे कितने रुपए की ब्याज दोगे? 1 रुपए की, ठीक है। मैं कहूं भाई मैंने तुम्हें 4 रुपए दिए और 25% ब्याज चाहिए एक साल में, तो तुम मुझे 1 साल बाद 1 रुपया ब्याज का दे दोगे। अब अगर मैं कहूं कि टोटल धन कितना हो गया, अगर मैं कहूं मैंने 3 रुपए दिए तो तुम इतना प्रतिशत मुझे ब्याज दोगे 1 साल बाद 1 रुपए की, टोटल वापस कितने करोगे? 4 रुपए। 3 रुपए तो जो मैंने दिए थे वो दोगे और साथ में 1 रुपए की ब्याज। अब ये वाली बातें आपको समझ आ गई होंगी और इनको उतार लीजिए। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो इन फ्रैक्शंस को आप देखते रहिएगा, ठीक है। एक बार इनको उतारो, देखिए। अब आगे चलते हैं जल्दी से, टाइम ना वेस्ट करते हुए। अगर ये चीजें ढंग से अभी समझ ना आई हो तो आप ऐसा करना, परसेंटेज की वीडियो देखना एक बार, देखिए। अब क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी जल्दी, इन फ्रैक्शंस को उतार के एक बार बाद में देखते रहना कि जिस जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। चलो, प्रिंसिपल मूलधन दे रखा है, मूलधन पूछ रहा है, रेट परसेंट होती है हमारी दर प्रतिशत। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई कुछ पैसा उधार दिया हुआ है, हमें नहीं पता कितना उधार दिया है, बस हमें यह बताया कि 16/2/3% की रेट है, इतने प्रतिशत की रेट से पैसा दिया गया है और कितने वर्षों के लिए दिया गया है? 2 वर्षों के लिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए टी मतलब समय, टाइम। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें सीआई बताओ, चक्रवृद्धि ब्याज, और हमें जो यहां पर दे रखा है, हमें मिश्रधन दे रखा है, अमाउंट दे रखा है हमारे को 9800 रुपए, ये हमारा मिश्रधन, ठीक है। अब अगर इसे हम ट्री वाले मेथड से भी कर सकते हैं, पर हम ट्री वाले से ना करके हम कुछ नया सीखेंगे। देखिए, 16/2/3% को अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखवाया था कि फ्रैक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, 1/6। अभी आप चाहे पीछे देख सकते हैं वीडियो पीछे करके, और मैंने यह भी बताया था कि अगर 16/2/3% फ्रैक्शन में 1/6 रहे, इसका मतलब क्या है? अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैंने आपको 6 रुपए उधार दिए और मैं आपसे इतना प्रतिशत हिस्सा ब्याज का चाहता हूं, तो आप मुझे 1 साल में 1 रुपए की ब्याज दोगे। अगर मैंने आपको 6 रुपए दिए तो आप 1 रुपए की ब्याज के साथ मुझे वापस कितने रुपए करोगे? 7 रुपए। तो मैंने देखा मेरा धन 1 साल में 6 रुपए से कितने रुपए हो गया? 7 रुपए। तो मैं कह सकता हूं कि मेरा धन की जो रफ्तार है बढ़ने की, वो क्या है? 6 से 7। और चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर जिस रफ्तार से पहले साल पैसा बढ़ता है, उसी रफ्तार से दूसरे साल बढ़ेगा और उसी रफ्तार से तीसरे साल। अगर तीसरा साल होता तो 6 से 7 एक बार और लिख देते। हमने देखा 6 6 36 और 7 7 49 6 6 36 7 7 49। जो ये वाली संख्या आती है, ये आती है हमारी फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू मतलब जो पैसा उधार दिया गया है, इसको कहेंगे हम प्रिंसिपल मूलधन, और जो यह संख्या आएगी इसे कहेंगे हम मिश्रधन अमाउंट। यह वो धन है जो उधार दिया गया है, और यह धन कौन सा है? जो 2 साल बाद हमें वापस मिलेगा। अगर मैं किसी को 36 रुपए उधार देता हूं इतनी दर से, तो 2 साल बाद वो मुझे 49 रुपए वापस करेगा। अब 49 रुपए वापस क्यों करेगा? क्योंकि इस 49 रुपए में 36 रुपए तो वो है जो मैंने दिए हैं, साथ में 13 रुपए की क्या है? ब्याज। कौन सी? चक्रवृद्धि ब्याज। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मिश्रधन 49 रुपए नहीं है, कितने रुपए? 9800 रुपीज है। अगर मिश्रधन 49 होता तो हमारा मूलधन जिसको हम प्रिंसिपल कहते हैं वो 36 रुपए आ जाता, और हमारा जो ब्याज होती है वो 13 रुपए की।
पर क्वेश्चन के हिसाब से जो वास्तविक संख्या अमाउंट की वो क्या है 9800, इससे कितना टाइम ज्यादा 200 टाइम ज्यादा 200 गुना ज्यादा है। तो इसी प्रकार हमारी ब्याज जो है वो भी 13 ना होकर 200 गुना ज्यादा कितनी होगी 2600, और हमारा मूलधन भी इससे 200 गुना ज्यादा कितना होगा 7200। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वो जो भी देगा हम तभी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर वो ये पूछ रहा है तो ये आंसर आ गया, ये पूछता तो ये, कोई एक चीज पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अब चीजें बहुत जल्दी जल्दी जाएंगी, शुरुआत में थोड़ी सी चीजें समझाई थी, इस चक्कर में थोड़ा सा टाइम लगा था। तो अगर वो क्वेश्चन कह देता हमारे को, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है, करा प्रिंसिपल बताओ, रेट है ये वाला क्वेश्चन से रहेगा। ठीक है, ये लो। ठीक है, अभी तो 2 साल का क्वेश्चन करा हमने, अगर हम 3 साल का करते तो रेट दे दिया उसने 33.3% और इस बार अगर वो टाइम 3 साल का दे देता है और हमसे इस बार BCI पूछ रहा और मिश्रधन दे रहा उसने 128.00। अब 33.3% अगर इसे फ्रैक्शन में बदलें तो कितना जाएगा 1/3। वही कंडीशन द्वारा अगर मैं कहूं मैंने आपको 3 रुपए उधार दिए हैं और मुझे इतना प्रतिशत हिस्सा ब्याज का चाहिए तो आप क्या करोगे, मुझे 1 रुपए की ब्याज दोगे, और अगर मैं 3 रुपए दे रहा हूं तो वापस कितने दे दोगे 4 रुपए। भाई मैंने 3 रुपए दिए हैं तो तुम 1 रुपए के साथ मुझे वापस तो 4 ही करोगे। तो मैंने देखा कि मेरा धन 1 साल में 3 से क्या होगा 4, तो ये रफ्तार आ गई कि भाई हर्ष कि मेरे धन को बढ़ने की रफ्तार क्या 3 से 4। अगर पहले साल 3 से 4 तो दूसरे साल भी 3 से 4, क्यों चतुर्वृद्धि ब्याज है। जिस रफ्तार से पहले साल धन बढ़ता है उसी रफ्तार से दूसरे साल और उसी रफ्तार से तीसरे साल। ये आ गया हमारा 27 और ये कितना आ गया हमारा 64। इन्हें प्लस मत करना, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये वाली संख्या भी थोड़ी देर पहले बताई थी मैंने, ये होता है हमारा मूलधन प्रिंसिपल मूलधन और ये होता है हमारा मिश्रधन अमाउंट। अगर मैंने अगले को 27 रुपए दिए हो तो वो 3 साल बाद इस दर से मुझे कितने रुपए देगा 64। 64 रुपए क्यों देगा, इसमें 27 रुपए तो वो है जो मैंने दिए हैं, साथ में 37 रुपए की क्या है इसके अंदर ब्याज, इसे क्या कहेंगे हम CI। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो मिश्रधन है वो 64 नहीं है, कितना 128.00। इससे कितने टाइम ज्यादा 200 टाइम ज्यादा। तो इसी तरह से मूलधन भी 27 ना होकर इससे 200 टाइम ज्यादा हमारा कितना जाए 5400, और हमारा जो ब्याज है वो भी 200 टाइम ज्यादा कितना जाएगा 200 गुना ज्यादा 7400, और ये हमारे क्या आ जाएंगे आंसर। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चंस हैं मतलब जिस टाइप के मैं करा रहा हूं आपका पूरा मतलब अगर आप इसको पूरे को कवर करोगे तो कहीं ना कहीं आपके पूरे पूरे नंबर आ सकते हैं। जितने मैं चैप्टर्स डालूंगा, जैसे हर एक चैप्टर ही कहीं ना कहीं 5-6 वीडियो डाली जाएगी, आप हर वीडियो को ढंग से देखना, और ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने आज वीडियो बना दी पूरी वीडियो खत्म, आप क्या सोचोगे अब तो हम बुक लगाते हैं सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, एक वीडियो में एक पार्ट कंप्लीट होगा उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। हाँ आपका डाउट भी आएगा, जो भी डाउट होगा उसे लिखते रहना या फिर कमेंट सेशन जो होगा, जो कमेंट नीचे है कमेंट में वो डाउट बता देना, या फिर मैं आपको व्हाट्सएप नीचे नंबर लिखाई दिख रहा है, आप इस व्हाट्सएप पे मुझे आपके जितने भी डाउट है हर बच्चे के वो डाउट भेज देना। उसका ये फायदा होगा कि मैं उन सब डाउट्स के एक लिस्ट बनाकर जब वीडियो खत्म मतलब जब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा 5-6 वीडियो बाद, तब मैं एक डाउट की वीडियो बना दूंगा, क्योंकि हर बच्चे को डाउट्स होते हैं, तो इसी तरह मैं आपके डाउट भी क्लियर करा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि देखिए कुछ इस बार उसने प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल कितना दे रखा उसने, वो कह रहा है कि 6400 रुपए प्रिंसिपल है
और हमारी रेट परसेंट दे रखी है सर 12 1/2%, और समय दे रखा है 2 वर्ष का, 2 ईयर, और सीआई पूछा उसने और मिश्र धन भी उसने इस बार पूछा है। अब हमें बताए 12 1/2% को जब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो हमारा कितना आएगा 1/8। अब थोड़ी स्पीड बढ़ा देता हूं, आपको चीजें समझ आ गई होंगी। तो मैंने क्या कहा था, अगर मैं 8 रुपए किसी को देता हूं तो इतना प्रतिशत मतलब 1 रुपए की ब्याज के साथ वो मुझे कितने रुपए वापस करेगा, 9 रुपए। अगर पहले साल मेरा धन 8 से 9 होता है तो दूसरे साल भी 8 से 9, 8 8 64 9 81। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैंने किसी को इतने रुपए उधार दिए हो तो वो मुझे वापस कितने रुपए करेगा, 81 रुपए। इससे कितने ज्यादा, इससे 17 रुपए, 7 4 11 10 11 14 17 17। ठीक है, ये हमारा हो गया ब्याज। अब वो कह रहा है जो मूलधन है वो 64 नहीं है, कितना है, 6400 रुपए है, इससे कितने गुना ज्यादा, 100 गुना ज्यादा। तो इसी प्रकार हमारा मिश्र धन भी 81 ना होकर 100 गुना ज्यादा 8100 होगा, और हमारी ब्याज भी 100 गुना ज्यादा कितनी होगी, 1700। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कभी कभी क्या होता है वो मूलधन और मिश्र धन ना देकर चक्रवृद्धि ब्याज दे देता है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, अभी आपके उस क्वेश्चन पे भी आते हैं जो मैंने बिल्कुल शुरुआत में आपको क्वेश्चन दिया था। ठीक है, जैसे अब क्वेश्चन पर आते हैं, उसने दे रखा है यार अमाउंट भी बताओ, मिश्र धन भी बताओ। सीआई उसने दे दिया 440 रुपए, रेट अगले ने दे दी 20%, और समय दे दिया उसने हमें 2 साल का, और कहते हैं मूलधन भी बताओ। अब 20% रेट है, हमें बताया 20% कितना होता है, 1/5। ठीक है, अगर किसी को ये लग रहा हो मैं थोड़ा स्पीड में जा रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मुझे लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा, इस स्पीड में भी आपको चीजें बहुत आसानी से समझ आ रही होगी, क्योंकि ये तरीका बहुत ही आसान है। अब हमने देखा भाई, अगर मैं 5 रुपए उधार देता हूं और इतना प्रतिशत ब्याज, मतलब 1 रुपए ब्याज, भाई 5 का 20% 1, तो 5 रुपए पर 1 रुपए की ब्याज मुझे मिले वापस 6 रुपए पहले साल, दूसरे साल फिर 5 से 6। मैंने देखा 5 5 25, 5 5 25 6 6 36। अगर मैंने किसी को 25 रुपए उधार दिए हो तो 2 साल बाद मुझे कितने वापस देगा, 36 रुपए ही हो गया अमाउंट। क्यों दे रहा 36 रुपए, वही क्योंकि इसमें 11 रुपए की ब्याज है, ये होगी हमारी चक्रवृद्धि ब्याज। अब हमने क्वेश्चन में देखा मूलधन 25 रुपए पर, यहां पर तो कुछ दे ही रखा है, तो हमसे पूछा हुआ है मिश्र धन कितना है, 36 रुपए, पर मिश्र धन भी दे रहा, दे क्या रखा है हमारे को सर, चक्रवृद्धि ब्याज दे रही है, जो कि हमारे पास यहाँ पे कितनी है 11। अगर चक्रवृद्धि ब्याज 11 ही होती यहां पर भी तो हमारा मूलधन 25 रुपए और मिश्र धन 36 रुपए, पर क्वेश्चन कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 11 रुपए नहीं है, कितने रुपए है, 440 रुपए, इससे कितने गुना ज्यादा, 40 गुना ज्यादा। तो इसी प्रकार हमारा मूलधन भी 25 ना होकर 40 गुना ज्यादा कितने रुपए होगा, 1000 रुपए, और हमारा मिश्र धन भी 36 ना होकर इससे 40 गुना ज्यादा कितना होगा, 1440 रुपए। ठीक है, अभी तक तो ये चीजें सिंपल सिंपल चल रही है। ठीक है, बट अगर उसने क्वेश्चन में इस तरीके से थोड़ी सी तब्दीली कर दी, अभी तक तो भाई हम सही है, ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर उसने थोड़ा सा भी चेंज कर दिया क्वेश्चन में, जैसे उसने क्वेश्चन दे दिया आपका, देखिए कह दे वो कि प्रिंसिपल बताओ, और कह दे कि फर्स्ट ईयर की जो रेट है पहले साल की रेट, अब वो मतलब पहले तो एक ही रेट चल रही थी, पर अगर वो रेट अलग अलग कर देता है, कह देता है पहले साल रेट है 25% और दूसरे साल रेट दे रखी है हमारे को उसने 20%। इसी टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये एक टाइप है, टाइप और भी कराऊंगा और वीडियोस में सारे टाइप क्लियर करके चलेंगे। फिर दूसरे साल की रेट है हमारी 20% और टाइम टोटल कितना हो गया, पहला साल दूसरा साल 2 वर्ष का टाइम हो चुका है, तो कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, और हमें दे रखा है मिश्र धन 180 रुपए, और हमसे कह रहा है कि मूलधन भी ज्ञात करें। अब अगर हम किसी और तरीके से करते, ट्री वाले तरीके से, तो यहां तो दिक्कत आ जाती। आप इस तरीके से करके देखना उस क्वेश्चन को, थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बट हमारे वाले तरीके में क्या है, 25% फ्रैक्शन में 1/4, देख लेना लिखवा रखा है पीछे, 20% 1/4,
पांच, बस फर्क इतना हो गया। अगर रेट होती 16 सही 2/3% दोनों ही साल के लिए, तो हम क्या करते थे, इसको 1/6 लिखकर पहले साल 6 से 7, दूसरे साल 6 से 7। पर इस बार फर्क यह पड़ गया, पहले साल रेट चलेगी 25%, तो 25% के हिसाब से पहले साल धन हो जाएगा 4 से 5, और अगले साल चलेगी 20%, 20% के हिसाब से ये हो जाएगा 5 से 6, ये हो गया 5 चौक 20 और ये हो गया 6 पंजे 30। ठीक है, तो हमने देखा कि ये अगर हमारा मूलधन आया है तो ये क्या गया, मिश्र धन, और इसके अंदर 10 रुपए की चक्रवृद्धि ब्याज हमें मिलती है। इसको कहेंगे हम प्रिंसिपल, इसे अमाउंट और इसे सीआई। पर क्वेश्चन कह रहा है जो मिश्र धन है इसका और भी आसान तरीका बताऊंगा आपको, क्योंकि ये तो अभी थोड़ी ऐसी कैलकुलेशन है जो हो गई, बट अगर जैसे पहला क्वेश्चन दिया उसकी तो कैलकुलेशन इस तरीके से करने से बहुत बड़ी बनेगी, हम तो बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। अभी पहले ऐसे समझो, फिर इसे और बता दो कैसे और आसान करेंगे। ठीक है, अब हमने देखा भाई मिश्र धन 30 नहीं है, कितने रुपए है, 180 रुपए, इससे कितना गुना आता, 30 से 6 गुना आता, तो इसी प्रकार हमारी जो ब्याज है वो भी 60 गुना ज्यादा कितने रुपए होगी, सॉरी 6 गुना ज्यादा कितने रुपए होगी, 60 रुपए, और ये भी 6 गुना ज्यादा 120 रुपए। ये चीज समझ आ गई। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, ये क्वेश्चन तो वैसे भी आसान सा है, कैलकुलेशन भी आसान है, बट अगर कैलकुलेशन थोड़ी सी भी टफ आ गई, कहीं उसने ऐसी वैल्यू दे दी ये कहीं ना कहीं 27 बनना है और ये 15 या 13 बनना है, तब तो दिक्कत आ जाएगी। कैलकुलेशन जैसे लेंथी होगी तो टाइम वेस्ट तो कहां होगा, कैलकुलेशन में तरीका तो यही रहेगा। तो हमें करना है क्या, देखो ये 20 आया ये 30, ये वास्तविक संख्या है तो नहीं है भाई, एक्चुअल वैल्यू थोड़ी है, ये तो रेशियो में वैल्यू आई है, वास्तविक संख्या तो ये दे रही है यहां पर, इससे हम कंपेयर करते हैं इनके हिसाब से। अगर ये रेशियो में है तो इसको रेशियो में और ज्यादा से ज्यादा हम काट सकते हैं, हम इसको जितना कट सके उतना काट सकते हैं, तो हम इसे 2/3 भी लिख सकते हैं। अब इसको यहां पे काटने की वजह हम क्या करेंगे, हम इस चीज को यही काट सकते हैं इधर वाल, तो ध्यान रखना इनको तो मल्टीप्लाई करना है और इसको भी मल्टीप्लाई करना है, हमने ये तो करा है 4 गुणा में 5 और ये 5 गुणा में 6, मतलब ये दोनों तो मल्टीप्लाई में और ये दोनों भी, पर जब काटा है तो हमने क्या करा, इधर वाले दोनों से इस तरफ दोनों को आपस में काटा है, जैसे 5 से 5 हो गया, 2 दूनी 4, 2 3 6, यही तो आया था हमारा 2/3। तो इसी तरीके से हम यहां तक चीजों को ना लाकर हम यही 5 से 5 काट दे, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो ये आ गया, ये 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो जाता, तो 2 एकम 2 और 3 एकम 3, हमारे पास अनुपात आ जाता है 2/3, कि अगर मूलधन 2 रुपए रहा हो तो हमें मिश्र धन कितना मिलेगा, 3 रुपए का, इसमें ब्याज 1 रुपए ही। भाई अगले को 2 दिए उसने 3 रुपए वापस कर दिए, क्यों, 1 रुपए ही क्या दे रहा है ब्याज, कह रहा 3 रुपए वापस नहीं कर रहा, अगला तो 180 रुपए वापस कर रहा है, कितने गुना था 60, तो ये भी ब्याज भी 60 गुना था 60 रुपए और मूलधन भी इससे 60 गुना था 120 रुपए। अभी आपको लग रहा होगा कि पहला ही तो तरीका अच्छा था, यहाँ 30 था 20 था, बट अभी एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी होगी। देखिए क्वेश्चन देते हैं, इस क्वेश्चन के बाद फिर उस क्वेश्चन पे आते हैं हम जो हमने बिल्कुल शुरू में दिया था, उससे पहले एक बार देखिए क्वेश्चन लेते हैं, उसने क्वेश्चन दे रखा है कि प्रिंसिपल निकालना है, रेट परसेंट पहले साल की देर किया उसने 12 सही 1/2% और दूसरे साल की रेट उसने दे दिया 33 सही 1/3%। ठीक है, समय दे रखा उसने 2 वर्षों का और कह रहे चक्रवृद्धि ब्याज बताओ और मिश्र धन बताओ। अब हम क्या करेंगे, हमने देखा 12 से 1/2% फ्रैक्शन में होता है 1/8, इन चीजों में भाई दो, इन चीजों को 2-3 बार चाहे मेरी वीडियो देखना, समझना कि ये किस तरीके से 8 का इतना प्रतिशत एक ही क्यों आता है, इसी वीडियो से समझ आ गया तो ज्यादा अच्छी बात है, और नहीं आया तो देख लेना। कहीं आप ये सोचोगे सर एकदम यार ये कैसे क्या ही लिख रहे हैं, ये चीजें बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बातें भी होंगी। 33 से 1/3% कितना होता है 1/3,
अभी जैसे पिछला क्वेश्चन करा है, पहले साल हमारा घन 8 से हो जाएगा 9 और दूसरे साल 3 से 4, बस ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएगी, वो ब्याज है। अगर इसको पूरे वे से करें तो 8 × 24 और 9 × 36। अब एक बात होता है, ये क्या हमारा प्रिंसिपल मूलधन और ये क्या हमारा मिश्रधन अमाउंट है कि नहीं है। क्वेश्चन में पर जो अमाउंट है वो 36 नहीं है, कितनी देर के अमाउंट, अच्छा अमाउंट लिख लेते हैं यहाँ पे, देखिए 2100 रुपए, ये लिखा नहीं था मैंने, ठीक है, जो अमाउंट दे रही है वो देखिए 2100 रुपए। अगर मैं 36 से 2100 रुपए को कंपेयर करके इससे देखूं कितना गुना है, तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, मुझे तो ऐसा लगता है इससे ये बहुत टाइम में कटेगा, डायरेक्ट तो कट नहीं रहा। अब इसको हमने क्या करा, हमने इन चीजों को 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 4, 2 × 8, यहां पर 2 और 1 रहेगा, 2 × 2 = 2, 3 × 3। इन चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने के लिए आप मेरी परसेंटेज वाली वीडियो भी देख सकते हो, उसमें मैंने हर क्वेश्चन दो परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस CISI सब कुछ एक ही तरीके से चलेगा, कोई आपको ऐसा नहीं है कि किसी चैप्टर में कुछ अलग चीजें पढ़ाई जाएंगी। तो मैंने देखा कि अब हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया 2, तो हमारा मिश्रधन कितना हो गया हमारा 3, हमें ब्याज कितना मिल गया 1 की, पर क्वेश्चन कह रहा है मिश्रधन 3 नहीं है, कितना है 2100 रुपए, इससे कितने गुना था 700। तो इसी प्रकार जो धन उधार दिया गया है वो 2 ना होकर 700 गुना ज्यादा कितने रुपए रहा होगा 1400 रुपए, और जो ब्याज है वो भी 700 गुना ज्यादा कितने रुपए रही होगी 700 रुपए की, ठीक है स्टूडेंट। अब इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हमने सबसे पहले आपको दिया था उस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, क्योंकि आप सोच रहे होंगे सर ने तो इतना टाइम ले लिया और अभी तक वो क्वेश्चन कराया ही नहीं है, पर अगर मैं आपको वो क्वेश्चन डायरेक्ट कराता तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आती, आप सोचते कि किस तरीके से हुई है। अब चीजें, अब मैं क्वेश्चन दूंगा आप खुद ही कर लो, शायद देखना एक बार क्वेश्चन फिर से हम देखते हैं क्या दिया गया था आपको, ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन दिया गया था कि प्रिंसिपल बताना है, रेट परसेंट पहले साल जो रेट थी फर्स्ट ईयर की रेट थी हमारी 16/2/3%, सेकेंड ईयर की रेट थी हमारी 14/2/7%, और तीसरे साल की रेट हमें दे रखी थी 12/1/2%, थोड़ी सी मतलब जगह का मैं उसकी ऐसे लिख रहा हूं, ऐसे टोटल समय 3 वर्ष था। क्वेश्चन के अंदर CI पूछा गया था, दे क्या रखा था मिश्रधन 21.3 रुपए। अब देखने से बहुत ही घातक क्वेश्चन लग रहा है, देखने से तो बच्चा सोचा छोड़ दो भाई क्यों फायदा, टाइम वेस्ट करके कोई फायदा थोड़ी है, छोड़ो क्योंकि पेपर और भी तो सॉल्व करना है, बट ये उतना मुश्किल नहीं है जितना दिख रहा है। रेट इतने प्रतिशत 1/6, ये 1/7, ये 1/8, पहले साल धन हो गया 6 से 7, दूसरे साल 7 से 8, तीसरे साल हो गया 8 से 9, जो कटता काट दिया 8 × 8 = 8, 7 × 7 = 7, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9। मैंने देखा कि ये आ गया 2:3, ऐसा नहीं है हर बार 2:3 ही आ गया, पिछले क्वेश्चन में भी आ गया, तो ऐसा जब 3:7 आ गए, ये तो ऐसा हो गया कि हर क्वेश्चन में हर बार 2:3 ही आया, ठीक है। तो हमने देखा कि अगर मूलधन 2 रुपए रहा होगा तो मिश्रधन कितना है 3 रुपए, ब्याज कितने की मिल रही है 1 रुपए की, पर क्वेश्चन कह रहा है मिश्रधन 3 रुपए नहीं है, कितना 21.3 रुपए। अब दिक्कत अभी भी है, 21.3 को कैसे काटेंगे, तो जब भी किसी कैलकुलेशन के अंदर पॉइंट आ जाए तो आप उसको थोड़ी देर के लिए ये समझ लेना कि पॉइंट है ही नहीं यहाँ पे, इस तरीके से इसे सॉल्व करना कि ये पॉइंट है ही नहीं, तो हम अगर पॉइंट नहीं होता तो हम कहते 3 × 7 = 21 और 3 = 3, हम ये कर देते, तो हमारा मूलधन भी कितना आ जाता है इससे 71 गुना ज्यादा, 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 14, और हमारी जो ब्याज है वो भी इतने गुना ज्यादा कितने आए थे 71, पर हमने देखा पीछे से एक के आगे पॉइंट लगा, तो पीछे से एक के आगे पॉइंट ये हमारा मिश्रधन वो ब्याज, और पीछे से आपके एक के आगे पॉइंट ये हमारा क्या रहेगा मूलधन। अब देखिए कितने से जल्दी हमने विद इन सेकंड इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हम
मतलब अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो कि अगर ऐसा मुझे व्यू मूव लेंगे कि हाँ भाई थोड़ा सा मतलब सर ने अच्छा पढ़ाया है और कमेंट्स ज्यादा से ज्यादा आएंगे और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को मतलब थोड़ी सी मतलब मेरे को अंदर से वो मिलेगा ना उत्साह, तभी मैं इस चैनल पर पढ़ाऊंगा आपको और भी आके आपकी सारी चीज जीडी की हम यहाँ पर सारी तैयारी करा पाएंगे और भी टीचर्स प्रोवाइड कराएंगे। अगर हाँ जितना ज्यादा ये पॉपुलर होगी वीडियो उसी हिसाब से हम सोचेंगे कि हाँ हमें यहाँ पर ये चीजें कंटिन्यू रखनी है, ठीक है। कि क्योंकि जीडी का भी वो आ रहा था उसी के बेसिस पर हमने सोचा कि हम इन चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर चीज को और सभी टीचर्स के साथ आपको अच्छी से अच्छी बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड कराएं। तो उसमें अब आपका भी साथ है कि आप इस चीज को कितने तरीके से आप इस चीजों को शेयर करते हो और आप हमारा कितना साथ दोगे, उसी तरीके से हम आपको बेस्ट चीजें देंगे। और जितने भी एग्जाम पेपर है प्रीवियस ईयर के मैं उन सबको देख रहा हूँ, उनके अंदर जितनी भी चीजें आ रही हैं उसी टाइप के आपको क्वेश्चंस करा के और लेवल और भी हाई लेके जाएंगे। पहले एक से दो क्लासेस में चीजें आपको सारी क्लियर कराई जाएंगी, मतलब इतना है कि आप सिर्फ जीडी ही नहीं कल को कोई अच्छा सा मतलब मैथ एक नंबर की करा दी जाएगी आपकी, उसकी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी कि मैथ की टेंशन सिर्फ हम लेंगे, सिर्फ आपको पढ़ने की टेंशन लेनी कि इन चीजों को डेली आप टाइम टू टाइम रेगुलर पढ़ाई करोगे, डेली आपको वीडियो मिल जाया करेगी, बस आपको मेहनत करनी है और टेंशन हम लेंगे कि आपको हमें कितना अच्छा मेटेरियल प्रोवाइड कराना है, ठीक है स्टूडेंट्स। और नीचे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा और इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा मतलब फैलाएं और सब्सक्राइब करें, ठीक है, ओके बाय।